झांसी नमस्ते। नमस्कार सर। आप तो झांसी की हैं इसलिए आपको तो बाहर पढ़ने के लिए जाना, बाहर के विद्यार्थियों से, तो जो बाहर के लोग रहते हैं उनका तो कोशिश रहती होगी कि स्वाति उनको सबको अपने घर ले जाए, अपने घर का खाना खिलाए, ऐसा होता है क्या? जी सर, होता है, कई बार होता है ऐसा। तो अच्छा, आप कहीं हो आई क्या? अपनी इन सहेलियां जो यहाँ पढ़ने में साथ मिली हैं, जो दोस्त मिले हैं, तो उनके गाँव कभी हो आई क्या? सर उनके गाँव तो नहीं, बट हाँ कई जगह हम घूमे हैं अपने ऑल इंडिया एग्रीकल्चर टूर पे। अच्छा स्वाति, बुंदेलखंड तो सचमुच में, क्योंकि मैं उस इलाके में मेरा आना जाना रहा है, पानी के अभाव में बड़ी कठिनाइयों वाला क्षेत्र है, फिर भी आपने कृषि क्षेत्र में जाने के लिए क्यों क्यों पढ़ाई करने का सोचा? सर मेरे पिता अपर नगर आयुक्त हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा कृषि के क्षेत्र से ही ली है। अच्छा, तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कृषि को ही और जानूं। प्रेरणा मिली कि पिताजी का दबाव था? नहीं नहीं, प्रेरणा मिली। अच्छा। जी सर, और मैं आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ ताकि मैं कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कार्य कर सकूँ। चलिए, तो आप भी अपने पिताजी की तरह सरकार में जाकर के एग्रीकल्चर में ही काम करना चाहती है। देखिए, जहाँ पानी कम होता है वहाँ माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, क्या हम किसानों को इस विषय में जागरूक कर सकते हैं क्या? किसान इन चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं क्या? आप तो खुद किसान परिवार से हैं, पिताजी किसानी में पड़े हुए हैं, बुंदेलखंड में पानी की चिंता को आप वाकिफ है, क्या लगता है लोगों का मन बन रहा है? यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन के मॉडल तैयार करे गए हैं, हमें इसके बारे में भी पढ़ाया गया है, इसके महत्वता के बारे में भी बताया गया है, और इस वर्ष मैं रावे के अंतर्गत सभी किसानों को जागरूक करने की कोशिश जरूर करूंगी। आप किसानों को कैसे समझाते हो कि फ्लड इरिगेशन, ये पानी किसान का स्वभाव है, खेत पानी से लबालब भरा हुआ हो, सारी फसल पानी में डूबी हुई, तब उसको लगता है कि हाँ अब कुछ पानी है, उसमें से उसको ड्रिप इरिगेशन में लेकर जाना जहाँ ऊपर तो सूखा दिखता हो, नीचे से गीला होता हो और फिर फसल होती हो, उसकी इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? सर जब वो खुद हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और जब वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स में देखते हैं कि किस तरह से इतने कम पानी में भी कितनी अच्छी लागत मिल रही है, तो तब वो ये बात को समझ पाते हैं अच्छे से। देखिए, आज इस कार्यक्रम में मुझे बताया गया कि करीब 50-55 हजार लोग रजिस्ट्री करा करके ऑनलाइन है, इतने सारे लोग हैं, तो मैं अपनी बात करने का तरीका बताता हूँ। मैं जब गुजरात में था वहाँ भी पानी का बहुत कष्ट रहता है, तो मैं लोगों को समझाता था कि ड्रिप इरिगेशन कैसे, मैं कहता कि मान लीजिए घर में छोटा बालक है और न वेट बढ़ रहा है, न वो खिल उठता है, बला मुरझाया हुआ दुबला पतला है, और हर माँ बाप चाहता है कि बेटा स्वस्थ हो, दौड़ता हो, हंसता खेलता हो, ऐसा बच्चा हो, और माँ बाप चाहेंगे। लेकिन अगर कोई माँ बाप डेली बाल्टी भर दूध ला करके उसमें बादाम, पिस्ता, केसर सब चीजें डाल करके उस दूध से उसको नहला दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? वो तंदुरुस्त होगा क्या? होगा क्या स्वाति? नहीं होगा। लेकिन अगर समझदारी से एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा दूध पिला दे, तो कुछ महीनों के बाद बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे बालक को दूध से नहलाने से स्वस्थ नहीं होता है, एक एक चम्मच दूध पिलाने से बदलाव की संभावना बनती है, ये फसल का भी ऐसा ही है। पानी से पूरा भर देने से जितना फायदा होता है उससे ज्यादा बूंद बूंद पानी अगर उसके मिलती है तो फसल बहुत बढ़िया बनती है। ये बात बड़े सरल शब्दों में लोगों को समझानी चाहिए
और पानी की रिसाइकलिंग हो, बरसात के पानी को कैसे जमीन के नीचे स्टोर किया जाए, इसके लिए जो आधुनिक और कम खर्च वाली तकनीक है उनके बारे में जानकारी सामान्य जन तक पहुंचाना जरूरी है। अगर आप इसराइल के वेबसाइटें देखेंगे वहां के एग्रीकल्चर की, बुंदेलखंड को वहां के कई मॉडल काम आ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ लिख करके इसी इलाके में कृषि क्षेत्र में काम करने जा रही हो तो जरूर आपका ज्ञान और आपका अनुभव और आपके पिताजी के आशीर्वाद जरूर इस क्षेत्र के किसानों की स्थिति को बदलेंगे, कृषि की स्थिति को बदलेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सर।